प्रेजेंट थे। तो बच्चों अब क्या होता है, इसके टॉम के स्कूल में जो है क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जाती हैं, और क्रिसमस की छुट्टियां पड़ने पर टॉम और मैगी वापस अपने घर आ जाते हैं थोड़ा वैकेशन स्पेंड करने, क्रिसमस हॉलीडेज। और अब जो है टॉम और मैगी आ गए हैं घर। तो जब ये घर आता है टॉम, तो ये नोटिस करता है कि जो मेरे घर का एनवायरनमेंट है वो पहले जैसा नहीं है। पहले मेरे घर में कितनी खुशियाँ थी, चहल पहल थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबके चेहरों पे टेंशन है, मम्मी के चेहरे पे टेंशन है, पापा के चेहरे पे टेंशन है, यानी कि आखिर ऐसी बात क्या हुई है घर में जो किसी के भी चेहरे पे हंसी नहीं है। तो इसे घर का एनवायरनमेंट बहुत चेंज लगता है। तो बात करने पर इसको पता चलता है कि ये जो मिस्टर टुलीवर है, यानी कि जो इसके फादर है, इन पर केस हो गया है, कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस किसने किया और किस चक्कर में किया वो भी अब मैं बताती हूँ, ठीक है बच्चों। होम, और यहाँ पे कोर्ट केस हो गया है किस पर, मिस्टर टुलीवर पर। किसने किया, इनके एक नेबर ने, इनका एक पड़ोसी, ठीक है। कोर्ट केस का टॉपिक क्या है, यानी कि किस बात पर किया है, वाटर राइट्स, वाटर राइट्स, ठीक है। वाटर राइट्स यानी कि पानी के हक को लेकर के इन पर केस हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इनका मिल है, जो इनकी चक्की है, फैक्ट्री है, वो फ्लॉस रिवर के पास ही है, ठीक है, और ये वहां के मालिक है। तो इसलिए उस रिवर के पानी के बंटवारे यानी कि अधिकार को लेकर इन पर केस हो जाता है। और वो केस करता है इन्हीं का एक पड़ोसी, और इसका लॉयर कौन होता है, इसका लॉयर होता है वही लॉयर बिटकम, जो मैंने आपको कैरेक्टर में लिखवाया था। ये बहुत ही पावरफुल और वेल्दी मेंबर है सेंट ऑक्स सोसाइटी का। लेकिन मिस्टर टुलीवर को ना शक होता है इस लॉयर पे कि ये जो मेरा पड़ोसी है, इसने मुझ पे केस किया है, वो अपनी तरफ से नहीं किया, वो इसने इसके बहकावे में आकर किया है, ठीक है। मेरे पड़ोसी को इस लॉयर ने, इस वकील ने भड़काया है, तब जाकर के इस पड़ोसी ने मुझ पे केस किया है। यानी कि एक तरह से मिस्टर टुलीवर और लॉयर विक्कम, इन दोनों के बीच दुश्मनी सी हो जाती है, ठीक है। ये एक दूसरे को दुश्मनों की नजर से देखते हैं, ठीक है। तो ये बात टॉम को पता लग जाती है कि भाई इस वजह से घर में मेरा माहौल खराब है। साथ में ही एक टॉम बात ए साथ में ही एक बात और पता चलती है टॉम को, क्या, जो इसका बेटा है फिलिप विकम, ठीक है, कैरेक्टर में आपको लिखवा चुकी हूँ, ये क्या है, इसका बेटा है, सन है, SON। टॉम को पता चलता है कि भाई ये फिलिप विकम बहुत जल्द मेरे स्कूल में आने वाला है पढ़ने के लिए, यानी कि ये मेरा स्कूल फेलो, स्कूल मेट बनने वाला है, ठीक है। तो जब ये टॉम को पता चलता है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है कि अब भाई जो मेरे पापा के दुश्मन है, ये तो दुश्मन का बेटा है, अब जो मेरे स्कूल में आ रहा है पढ़ने के लिए, फिर तो ये मुझे परेशान करेगा, मेरी तो इससे पटेगी नहीं। तो इस बात को लेकर ये थोड़ा चिंता में आ जाता है, कौन, टॉम। लेकिन जो इसके पापा होते हैं टुलीवर, मिस्टर टुलीवर, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो मिस्टर टुलीवर अपने बेटे को समझा कर भेजते हैं अब स्कूल कि भाई अगर वो आता है आपके, अगर वो तुम्हारे स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, तो तुम उससे ज्यादा पंगे मत लेना, ठीक है। वो जो भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उसे इग्नोर करना, उसे करने देना वो जो कर रहा है, ठीक है। यानी कि तुम्हें उससे अलग रहना है, और कोई भी गलत आदत तुम्हें फिलिप से नहीं सीखनी, ठीक है। तो ये बस इतना समझाकर वापस से टॉम और मैगी स्कूल आ जाते हैं क्रिसमस वैकेशन ओवर होने के बाद। तो जो है टॉम और मैगी वापस से घर स्कूल आ गए हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पढ़ती नहीं है, सिर्फ टॉम के साथ उसको कंपनी देती है, ठीक है, ताकि उसे अकेला फील ना हो। और इधर फिलिप ये भी आ जाता है स्कूल में, ठीक है। तो टॉम और फिलिप एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं है, ना ही बातचीत करते हैं। लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, टॉम और फिलिप के बीच लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, मुंहजुबानी जैसे होता है। तो मैगी क्या करती है, इन दोनों के बीच में आ जाती है सॉल्व आउट के लिए, ठीक है, सेटलमेंट के लिए, शांति के लिए, इन दोनों का आपस में झगड़ा बंद कराने के लिए मैगी बीच में आ जाती है।
तो झगड़ा तो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिलिप और मैगी पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है नोट। तो ये पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं, एंड सडनली फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैगी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मैगी है अपने बाप के दुश्मन के बेटे को ही पसंद करने लगती है, साथ में फिलिप के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन इस बात से टॉम अभी बेखबर है, टॉम को ये बात नहीं पता कि मेरी बहन उसे पसंद करने लगी है। तो टॉम को अब स्कूल से स्कूल में पढ़ते पढ़ते 2.5 साल हो जाते हैं, 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल वो इस स्कूल में पढ़ाई करता है। और अब 3 साल पूरे होते होते यानी कि उसके फाइनल एग्जाम्स होने का वो वेट कर रहा होता है, ताकि जो उसके स्कूल की पढ़ाई है वो फटाफट से खत्म हो जाए और वो घर जा सके। लेकिन उसी बीच क्या होता है, मैगी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, ठीक है ठीक है। मैगी को भेज दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल पढ़ाई के लिए। यहाँ पर और यहाँ पे पहले से ही जो लूसी डीन होती है उसकी कजन, वो भी पढ़ाई कर रही होती है, ठीक है, लूसी डीन, ठीक है। और उधर उनके पापा का वो कोर्ट केस अभी भी चल रहा होता है, रनिंग में होता है। तो अब उस कोर्ट केस का क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया किंग्स लॉटन स्कूल में क्या हुआ, क्रिसमस वेकेशन पूरी होने के बाद। और अब मैगी बोर्डिंग स्कूल में है, किसके साथ, लूसी डीन के साथ। तो अब क्या होता है, नवंबर का महीना चल रहा होता है, नवंबर मॉर्निंग, ठीक है। नवंबर की एक सुबह क्या होता है, ये जो मैगी है ये टॉम से मिलने जाती है उसके स्कूल, ठीक है। टॉम से मिलने कहाँ गई, उसी के स्कूल जहां वो 2.5 साल अभी पढ़ चुका होता है और फाइनल एग्जाम होने की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है। ये इससे मिलती है और इसे बोलती है कि तुम घर वापस आओ, घर चलो जल्दी, वहां पे हमारे पापा बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ हो गया है वहां पर, तुम घर चलो। वो बताती है कि जो हमारे पापा हैं वो कोर्ट केस हार गए हैं, और कोर्ट केस हारने के बाद अब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तबीयत बिगड़ गई है, साथ में और भी फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं। तो जैसे ही ये न्यूज मैगी टॉम को देती है, टॉम तुरंत स्कूल छोड़ देता है, ही क्विट्स स्कूल एंड रिटर्न टू होम, घर आ जाता है, ठीक है। तो घर आने के बाद वो सारी कंडीशन देखता है, मेरे पापा की क्या हालत हो गई है, पैसे नहीं है घर में, पापा पे कर्जा हो रखा है, और जो कोर्ट केस है वो हार गए हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख के वो डिसाइड करता है कि अब मैं अर्निंग करूंगा, यानी कि अब मैं पैसे कमाना स्टार्ट करूंगा, जॉब करूंगा। तो अब पूरे घर में केवल टॉम ही अर्निंग मेंबर बन जाता है, ठीक है। यानी कि ये अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है अपनी अपनी फैमिली में हेल्प के लिए, फाइनेंशियली हेल्प के लिए। ओके बच्चों, तो इतना सब होने के बाद आगे की कहानी में क्या होता है, जो मिस्टर टुलीवर है, एक तो ये पहले से ही सदमे में होते हैं कोर्ट केस हारने की वजह से, ठीक है। तो कोर्ट केस हारने के बाद इनके घर की हालात कुछ ऐसी हो जाती है कि इन्हें अपने घर का सामान बेचना पड़ जाता है, ठीक है। तो एक शब्द में तो ये पहले से होते हैं कि ये केस हार गए हैं, साथ में ही घर में जो कंडीशन चल रही होती है वो देखकर इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन्हें एक दूसरा झटका भी मिलता है बहुत ही जल्द, वो क्या होता है, सेकंड थिंग इन्हें पता चलती है, जब ये घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही इनके लेटर बॉक्स में इनको एक लेटर मिलता है, जिस लेटर के थ्रू इन्हें ये न्यूज मिलती है, ही गॉट अ न्यूज फ्रॉम अ लेटर, लेटर से ये न्यूज मिलती है कि जिस आदमी से इन्होंने पैसे ले रखे थे उधार, ठीक है, कुछ टाइम पहले इन्होंने किसी पर्सन से पैसे उधार लिए थे, तो अब भाई कोई इनकम नहीं थी इनके पास जो ये इनका कर्जा उतार सके। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि कर्जा तो मैं नहीं उतार पाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपने घर का हाउस होल्ड ही इनको दे दूं, यानी कि जो घर का सामान होता है जैसे बेड, टेबल, चेयर, सोफा, वो मैं इनको दे देता हूँ, ठीक है। एंड इस पर्सन का नेम मेंशन नहीं है नोवल में, सो आप उसको खोजने की तैयारी मत करना, ठीक है। तो इनको झटका क्या लगता है, ये जो इनका लॉयर था, मतलब जो इनके अगेंस्ट था, पड़ोसी के फेवर में था ये लॉयर विक्कम,
ये आदमी क्या करता है, जो इनका हाउसहोल्ड आर्टिकल होता है वो सारा ट्रांसफर कर देता है लॉयर विक्कम के नाम। ठीक है, यानी कि वो जो जो भी क्लेम होता है ना आर्टिकल्स पे, वो देने किसको वाला था, इस पर्सन को। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से वो सब कुछ अपने नाम करा लिया, और जो भी बिल और जितने भी बिल थे आर्टिकल्स के, जो सेलिंग बिल होता है वो भी उसने इसके नाम पे ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है, मिस्टर टुलीवर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उनका घर, उनकी फैक्ट्री, उनका हाउस होल्ड, वो सब कुछ लॉयर विक्कम के नाम हो जाता है। और ये सब कुछ खुद ही करवाता है अपनी चालाकियों से, कुछ ना कुछ प्लान बना के। ठीक है, तो अब मिस्टर टुलीवर को एकदम उसने खाली हाथ कर दिया है। किसने? लॉयर विक्कम ने। पहले नेबर का यूज किया और अब फिर इस पर्सन का यूज किया। ठीक है, तो इस न्यूज से मिस्टर टुलीवर की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं ये? बेहोश। तो बेहोश होने के बाद जो इनकी बेटी है मैगी टुलीवर, वो घर पहुंचती है और घर आके अपने फादर की कंडीशन देखती है कि मेरे पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और वो बेहोशी की हालत में है। उसको पूरी बात भी पता चल जाती है कि क्या बात हुई है घर में। ठीक है, तो अभी ये भी घर पहुंच चुकी है, साथ में जो इसके अंकल और आंट थे। ठीक है, अंकल और आंट वही उसकी मम्मी के बहन और उनके हस्बैंड। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उल्टा मिस्टर टुलीवर से ही झगड़ने लगते हैं इसी बात पे कि जो भी तुम्हारे घर में आज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उनका कारण सिर्फ तुम हो, उनके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा ब्लेम मिस्टर टुलीवर पे डालते हैं और इन्हीं से बहसबाजी करने लगते हैं। प्लस जो इसकी मदर होती है, यानी कि जो इनकी वाइफ है मिसेस टुलीवर, वो भी बहसबाजी में, यानी कि लड़ाई झगड़े में, यानी कि लड़ाई झगड़े में अपनी बहन और उसके पति का ही साथ देती है। यानी कि ये खुद अपने पति को ब्लेम कर रही होती है कि भाई इन सारे फसाद की जड़ ना तुम ही हो। ठीक है, तो मैगी भी ये सब देख रही होती है कि घर का इतना गर्म एटमोसफेयर हो गया है, लड़ाई हो रही है, और कौन कर रहा है वो लड़ाई? अंकल आंटी मेरे पापा से कर रहे हैं। तो मैगी क्या करती है, उल्टा इनको ही सुनाने लगती है। ठीक है, अपने फादर के फेवर में इनको ही सुनाती है कि अगर मेरे पापा आपकी जगह होते तो वो कभी भी इस तरह से बात नहीं करते, और हर एक प्रॉब्लम का वो काइंडली सोल्यूशन निकालते और काइंडली ही एडवाइस देते, आप लोगों की तरह चिल्लम चिल्ली करके ब्लेम नहीं करते। ठीक है, यानी कि मैगी का झगड़ा भी इन लोगों से शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है टॉम सब कुछ सॉल्व आउट करने। टॉम देखता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है घर में, इतने आवाजें क्यों आ रही है, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो वो क्या करता है, कैसे भी करके सिचुएशन को हैंडल करता है, मैगी को शांत करता है कि भाई तुम ही चुप हो जाओ, और अंकल आंटी को भी शांत करके वो भेज देता है। यानी कि ये लड़ाई वाला जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो सारा टॉम ने सॉल्व आउट कर दिया था। ठीक है, ऑलराइट बच्चों। तो कोर्ट क्या करती है, जिस कोर्ट से वो केस हारे होते हैं मिस्टर टुलीवर जो, तो कोर्ट उनके जितना भी सामान होता है, हाउस होल्ड होती है, प्रॉपर्टी होती है, और जितना भी उनका हाउस होल्ड होता है, प्रॉपर्टी होती है, और मिल, प्रॉपर्टी यानी कि उनका यही मिल जो उनकी फैक्ट्री थी, इनको नीलाम करवाती है। ठीक है, यानी कि ऑक्शन, ये सब नीलाम होता है और ये सब कुछ नीलामी में चला जाता है, यानी कि बिक जाता है। तो जो ये मिल है ये खरीद लेते हैं वही लॉयर विक्कम। ठीक है, पहले तो इन्हें उन्हें मिस्टर टुलीवर को केस में हराया, और अब फिर नीलामी में उन्होंने उन्हीं की फैक्ट्री को खरीद लिया, यानी कि उन्हीं का मिल उन्होंने खरीद लिया। और अब इस मिल के, यानी कि जो डॉनलॉप्ड मिल था, ये नाम मैं, ठीक है, नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो डॉलकॉट मिल था, अब जो इसकी ऑनरशिप है वो किसके पास आ जाती है, अब इसके ऑनर बन जाते हैं ये लॉयर बेकम। ठीक है, तो ऑनर बनने के बाद ये मिस्टर टुलीवर को एक जॉब ऑफर करते हैं, क्योंकि अब मिस्टर टुलीवर बिल्कुल खत्म है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मिस्टर टुलीवर को एक जॉब ऑफर करते हैं एज अ मैनेजर। ठीक है, कौन सी जॉब ऑफर करते हैं इसको? मैनेजर की, लेकिन कहाँ पर? इसी मिल के अंदर। ठीक है, यानी कि जो इनकी पहले अब खुद की अपनी फैक्ट्री हुआ करती थी मिल, अब ये इसको ऑफर कर रहा है कि अब भाई तुम
कि अब भाई तुम उसी मिल में मेरे लिए काम करो, किसकी पोस्ट से, किसकी हैसियत से, एज अ मैनेजर, ठीक है। यानी कि इसको उसी की मिल में एक जॉब ऑफर कर रहा है सिर्फ इसकी इंसल्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसको ये जॉब ऑफर करता है क्यों, ताकि ये इसको और ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सके और ज्यादा इसकी इज्जत उछाल सके, ठीक है। देखो भाई ये तो पहले यहाँ मालिक था और अब नौकर बन के काम कर रहा है। तो मिस्टर टुलीवर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका ये जॉब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि इन्होंने मैनेजर की जो जॉब है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि इससे, ये सोचकर कि जॉब के थ्रू मेरे पास जो भी पैसा आएगा उससे मेरे घर में हेल्प होगी, ओके। लेकिन मिस्टर टुलीवर अपने बेटे टॉम से थोड़ा डिस्कस करते हैं इस बारे में। ये जो मिस्टर टुलीवर है टॉम से बोलता है कि भाई मैं वहां पे ये जॉब करूंगा और बहुत ही ईमानदारी से करूंगा, ठीक है, क्योंकि बेईमानी आज तक इन्होंने की नहीं। तो मैं तो अपना जॉब ईमानदारी से करूंगा, लेकिन बेटे तुम्हें मेरे इस इंसल्ट का बदला लेना होगा, ठीक है। तुम्हें मिस्टर विक्रम को मजा चखाना होगा, और उनकी वजह से हमने जो भी सिचुएशन फेस की है, जो भी वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें हर एक चीज का बदला लेना है। तो ये अपने बेटे को पहले से ही वार्न कर देता है, ठीक है। तो अब घर में दो इनकम सोर्स हो गए हैं, एक तो टॉम जो पहले से ही फैमिली के लिए कमा रहा है, हेल्प कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, गैस टैंक कंपनी में। लेकिन इसकी पोस्ट क्या है, ये क्लर्क की जॉब करता है, क्लर्क, ठीक है। और ये वही अपनी मिल में काम कर रहे हैं मैनेजर की पोस्ट पर, ठीक है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जो भी इनका कर्जा होता है, जो इन्होंने उधार ले रखा होता है किसी से, वो ये धीरे धीरे उतारने लगते हैं। यानी कि जो सर पे इतना वजन था कर्जे का, वो धीरे धीरे उतरने लगता है। तो बच्चों इतना सब होने के बाद मिस्टर टुलीवर का जो बिहेवियर है, जो उनका नेचर है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है। अब भाई हर कोई इंसान चिड़चिड़ाएगा जब उसी की कंपनी में उसी को नौकर बना के रखेगा, तो उसका बिहेवियर जाहिर सी बात है चेंज होगा, चिड़चिड़ा होगा, ठीक है। तो अब इनका ये जो रूडी बिहेवियर है, इसका असर उनके घर में भी दिखता है। पहले ये मैगी से बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत प्यार करते थे उसको, तो मैगी ये चीज अपने फादर में नोटिस करने लगी कि अब मेरे पापा मुझसे पहले जैसा बिहेव नहीं करते, अब मुझसे उतना ज्यादा प्यार नहीं करते, ठीक है। तो मैगी को भी बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ही मिजरेबल फील करती है इस बात के लिए। उसे अपने पापा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे पापा ने इतना कुछ फेस किया जिसकी वजह से मेरे पापा का बिहेवियर ही बदल गया और उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया, ठीक है। प्यार तो कम नहीं होता, लेकिन वो उसको बस जता नहीं पा रहे, ठीक है। तो इतना फर्क आ जाता है मिस्टर टुलीवर के कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में, ठीक है। और ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, एनालाइज करना है, वो मैं थीम्स में बताऊंगी समरी ओवर होने के बाद, ठीक है बच्चों। तो अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, ये जो मैगी और फिलिप होते हैं, फिलिप कौन, बॉय फिलिप विक्रम, लॉयर विक्रम का बेटा, जो मैंने आपको कैरेक्टर्स में लिखवाया था, ठीक है। और जब ये स्कूल में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, ठीक है, ये मैंने आपको रिकॉल कराया है अभी। तो इन दोनों की मुलाकात होती है बहुत साल बाद, क्योंकि अब मैगी तो स्कूल जाती नहीं, वो अपने घर में ही रहती है, और उसके फादर और जो उसके भाई है वो कमारे होते हैं, और ये पढ़ाई पूरी करके वापस आया होता है अपने पापा के साथ, लॉयर विक्रम के साथ, ठीक है, कहाँ पे, मिल, वही जो फैक्ट्री है, मिल है। तो ये अपने पापा के साथ मिल आया होता है, और इधर मैगी जो है ये भी मिल गई हुई होती है, किससे मिलने, अपने फादर से मिलने, ठीक है। यानी कि मिस्टर टुलीवर जो है मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, उनसे मिलने ये गई हुई होती है। तो वही इसकी मुलाकात फिलिप से होती है बहुत सालों बाद, और उसे देखकर ये चौंक जाती है। तो ये दोनों बस एक दूसरे से नजरें ही मिला पाए होते हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं होती है इनके बीच। तो ये मैगी क्या करती है, फटाफट से दौड़कर एक होपलेस कंडीशन में घर आ जाती है, ठीक है, ये सोचकर कि मेरा फिलिप से मिलना, उसे देखना, उससे बात करना, ये गलत है,
ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि वो मेरे पापा के दुश्मन का बेटा है। ठीक है, अब जब वो मेरे पापा के दुश्मन का बेटा है तो मैं क्यों उसे इतनी इंपॉर्टेंस दूं? क्यों मैं उसे लाइक करूं? क्यों मैं उसे लव करूं? क्यों मैं उससे बात करूं और मिलूं? ठीक है, तो ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है और ये सब सोच के वो वापस घर आ जाती है बिल्कुल होपलेस होकर। ठीक है बच्चों, तो एक रेड डीप्स नाम की जगह है, RED, रेड, और ये डीप्स, ये एक जगह का नाम है जहां पर मैगी अक्सर वॉक के लिए आती है। ठीक है, वॉक करने के लिए हम जाते हैं ना किसी जगह पे, वैसे ही ये जो मैगी है इस जगह पे आती जाती रहती है फॉर वॉकिंग। ठीक है, तो सडनली एक दिन इसको इसी जगह पे फिलिप भी मिल जाता है। ठीक है, तो फिलिप से इसकी मुलाकात होती है फिर से। ठीक है, तो इसकी फिलिप से सेकंड मुलाकात होती है, यानी कि सेकंड मीटिंग होती है कहाँ? रेड डीप्स में, जहां पे ये वॉक के लिए जाती है। तो फिलिप इसे बोलता है कि भाई इतने साल हो गए लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाया और मैं तुम्हें आज भी बहुत पसंद करता हूँ। इवन ये उसको एक फोटोग्राफ दिखाता है, एक पोर्ट्रेट दिखाता है जो इसने एक पेंटिंग खुद बनाई होती है मैगी की। ठीक है, इसने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई होती है किसकी? मैगी की, और वो ही पेंटिंग वो इसको शो करता है। ठीक है, तो इसके मन में ये बात होती है कि भाई मैगी, हम यहाँ पे आते जाते रहेंगे, हम यहाँ मिलते रहेंगे, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये कोई गलत काम भी नहीं है। ठीक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तो हम लोग क्या है इस जगह पर मिलने आ सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से शोर आ रहा है तो प्लीज आप उसे अवॉइड करिए। लेकिन मैगी इसकी बात को सुनकर कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो थोड़ा टेंशन में ही रहती है कि मेरा इससे मिलना सही है या गलत है। ठीक है, तो फिलिप क्या करता है, कंटिन्यू उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, और इम्प्रेस करते करते मैगी भी एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है कि उसका भी मन करता है कि मैं फिलिप को यस बोल दूं। ठीक है, कि हाँ मुझे यहाँ पे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे जब मर्जी मिलने आ सकते हो। तो मैगी के मन में भी ये बात आ जाती है, चलो मैं से हाँ बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी वो अंदर से रियलाइज कर रही होती है नहीं यार ये थोड़ा गलत है, कैसे हैंडल करूँ मैं इस सिचुएशन को। सो गाइस, फाइनली जो हमारी मैगी है वो फिलिप को यस बोल देती है कि भाई चलो मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे मिलते रहेंगे। इट मीन्स स्कूल टाइम में जो इन दोनों के बीच लव अफेक्शन स्टार्ट हुआ होता है, अब मैगी उसको इम्पोर्टेंस देती है, वैल्यू देती है और इसे यस बोल देती है। बट इन द मीन टाइम उसी बीच क्या होता है, मैगी की एक आंट है जो मैंने आपको कैरेक्टर्स में लिखवाया है, कौन? मिसेस पुलेट। ठीक है, मिसेस पुलेट ये मैगी और टॉम की आंट है। तो एक दिन ये फिलिप को रेड डिप्स में जाते हुए देख लेती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बात जाकर के वो टॉम को बता देती है कि भाई टॉम, मैंने फिलिप विकम को रेड डिप्स की तरफ जाते हुए देखा है जहां तुम्हारी बहन भी शायद वॉक करने जाती है। इट मींस ये क्या है, वही नमक मिर्ची लगा रही है घर में। तो भाई टॉम को क्या होता है, अपनी बहन पे शक हो जाता है। ठीक है, टॉम को क्या हो जाता है, अपनी बहन पे शक। कैसा शक? कहीं मेरी बहन मैगी फिलिप से ही तो मिलने नहीं जाती रेड डिप्स में वॉक करने के बहाने। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने शक को क्लियर करने के लिए मैगी से जिद करने लगता है कि भाई आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वॉक पर। ठीक है, वो इतना जिद करता है, इतना इंसिस्ट करता है कि मैगी उसको मना नहीं कर पाती, और फिर वो अपने भाई को भी अपने साथ वॉक पे ले चलती है। ठीक है, तो जब टॉम मैगी के साथ यहाँ पे पहुंचता है तो वो उसको दिखता है कि फिलिप यहाँ तो पहले से ही इंतजार कर रहा है। ठीक है, यानी कि टॉम इन दोनों को पकड़ ही लेता है और जो उसका शक होता है वो क्लियर हो जाता है, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फिलिप को देखते ही वो समझ जाता है कि ये मेरी बहन का इंतजार कर रहा है। तो वो फिलिप की वहां पे बहुत इंसल्ट करता है, उसे खरी खोटी सुनाता है और साथ में उसे मना कर देता है कि आज के बाद तुम मेरी बहन से नहीं मिलोगे। ठीक है, जैसा कि एक भाई बिहेव करता ही है अपनी बहन के लिए किसी के अगेंस्ट, तो वैसा ही टॉम ने फिलिप के साथ किया, उसकी इंसल्ट की और फिर उसको मना कर दिया कि अब से तुम यहाँ नजर मत आ जाना,
और मेरी बहन से तो मिलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? और साथ में ये मैगी को भी वार्निंग देता है कि भाई तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद बिना मेरी परमिशन के तुम फिलिप से नहीं मिलोगी, ठीक है? ये इससे प्रॉमिस ले लेता है कि भाई आज के बाद मेरी परमिशन के बिना नहीं मिलना है तुम्हें फिलिप से। साथ में ये बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया, ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये सारा जो भेद है ना तुम्हारा फिलिप और तुम्हारा, मैं जाकर पापा को बता दूंगा। पापा को बता दूंगा मीन्स मिस्टर टुलीवर को बता दूंगा, ठीक है? तो ये एक तरह तो ठीक है, तो एक तरह की ये धमकी जो है अपनी बहन को दे देता है। तो मैगी को अपने भाई का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, ठीक है? ठीक है, तो मैगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब टॉम उसे डांटता है और इस तरह का बात बोलता है। तो वो क्या करती है, टॉम की रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है, ठीक है? हालांकि उसको प्यार उससे अभी भी करती है अपने भाई से, लेकिन बस वो रिस्पेक्ट करना जो है बंद कर देती है, ठीक है? ठीक है, शी स्टॉप्स रिस्पेक्टिंग टॉम। प्यार करती है अभी भी लेकिन रिस्पेक्ट बंद हो गया है बस। ओके बच्चों, सो अब उस लव सीन के बाद क्या होता है स्टोरी में, जो मिस्टर टुलीवर है उनको ये चिंता सताने लगती है कि जिन जिन लोगों से मैंने पैसा उधार ले रखा है कि अब मुझे उन्हें पे भी करना है, लेकिन मैं सबका पैसा चुकाऊंगा कैसे क्योंकि मेरे पास तो इतना अमाउंट ही नहीं है, ठीक है? मैनेजर की जॉब करते हुए भी वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए कि वो सारे क्रेडिटर्स को पे कर सके, ठीक है? यानी कि जिन जिन से उधार लिया है उन सबका वो निपटारा कर सके। तो जिन जिन से इन्होंने पैसा लिया था वो काफी लोग थे, उनमें से ही एक थी आंट ग्लैग, ठीक है? जो मैंने बताया था ये टॉम और मैगी की कौन है, आंट है। तो मिस्टर टुलीवर को यही चिंता बहुत ज्यादा सताने लगती है। तो टॉम बताता है अपने फादर को कि पापा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता है मैंने अपनी जॉब से इतने पैसे सेव किए हैं कि अगर मैं उस अमाउंट को मिलाऊं और जो आपने सेव किया है उसे मिलाऊं तो हम सबका हिसाब क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सुनकर मिस्टर टुलीवर को अपने बेटे पर बहुत प्राउड, बहुत गर्व उनको महसूस होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं इन में, कहाँ, इनका अगर आप हिंदी वर्ड जो है गूगल करोगे डिक्शनरी में तो इधर निकल के आएगा धर्मशाला, यानी कि इन एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पे लोग मीटिंग्स के लिए आते हैं, ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ अ मीटिंग हॉल। तो मिस्टर ट्रीवर क्या करते हैं, अपने सारे जो क्रेडिटर्स हैं जिन जिनको उन्हें पैसा देना होता है वो सबको इनवाइट करते हैं डिनर पार्टी पे, कहाँ, इन में। तो वो सब लोग आ जाते हैं, वहां पे आंट ग्लैग भी आती है और ये वहां पे मीटिंग करते हैं, सबका पैसा चुका देते हैं जिसका जितना था, जिससे जितना ले रखा था सबको पे कर देते हैं, यानी कि उनका सारा हिसाब क्लियर हो जाता है। तो जो एक सरदर्द बना हुआ था ना मिस्टर टुलीवर के कि अब वो उधार कैसे चुकाएंगे उधारी, तो वो सब एकदम फ्री माइंड हो जाता है, ठीक है? साथ में ही मिस्टर टुलीवर एक सबको बहुत अच्छी स्पीच भी देते हैं और उस स्पीच में वो अपने बेटे टॉम की बहुत तारीफ करते हैं कि आज जो कुछ भी हो सका है वो मेरे बेटे की वजह से। तो मिस्टर टुलीवर को ऐसा फील हो रहा होता है, वो इतने ज्यादा खुश होते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत लंबी लड़ाई जीती हो, ठीक है? ठीक है, तो अब क्या होता है, सबका हिसाब क्लियर करने के बाद ये घर जा रहे होते हैं वापस से, बाप और बेटे, ठीक है? घर जा रहे होते हैं होम। तो जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं इनको रास्ते में मिल जाता है वही लॉयर विक्कम, ठीक है, जो इनका दुश्मन बना बैठा है वो इनको रास्ते में मिलता है। और फिर वो क्या करता है, मिस्टर टुलीवर को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, उनको उल्टे सीधे शब्द बोलता है, उनकी इंसल्ट करता है, ठीक है? तो इस बार क्या होता है, जब ये इसकी इंसल्ट कर रहा होता है मिस्टर टुलीवर की, तो इस बार टुलीवर से भी चुप नहीं बैठा जाता। क्यों? क्योंकि पहले तो इन पे कर जाता, इसलिए मजबूरी में इनको अपने ही मिल में एक नौकर बनकर काम करना पड़ रहा था, ठीक है, ताकि कुछ पैसे आए घर में और मेरा थोड़ा काम हो सके। लेकिन अब तो सारा कर्जा उतर चुका है, अब तो सर पे कोई टेंशन ही नहीं है बाप बेटों के। तो फिर अब मिस्टर टुलीवर लॉयर विक्रम को मुंह तोड़ जवाब देने लगते हैं, ठीक है? यानी कि इनके बीच बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है, मुंहजोरी हो जाती है।
और इनकी इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि जो मिस्टर टुलीवर है लड़ते लड़ते उनका तबियत खराब हो जाता है और तबियत बिगड़ते ही उनकी मौके पर मौत हो जाती है बेचारे की। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है मिस्टर टुलीवर इनकी डेथ हो गई है। क्यों हुई? लॉयर विक्रम की वजह से, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने के वजह से। ठीक है, ठीक है, अब इनके कैरेक्टर का रोल जो है यहाँ खत्म हो चुका है। ओके।